नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फुल मोबाइल ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे पता करें कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी किसी दूसरे डिवाइस में ओपन है? तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यह मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ए डिवाइस ए रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द लॉगिन। तो आपको यह नोटिफिकेशन आपके देखने को मिल जाता होगा। कई बार आपने इंस्टाग्राम चलाया होगा, इसका मतलब होता है कि आपका इंस्टाग्राम किसी ने लॉगिन करा है। तो दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे और उस डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम चल रहा है? तो उस मोबाइल से आप अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट कर सकते हैं इसी मोबाइल से ही। तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ जाएं। आ जाने के बाद दोस्तों थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट सेंटर, आपको क्लिक करना है और यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी चेक, इसके नीचे आपको वे आर यू लॉगड इन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जितने भी लोगों ने आपकी आईडी लॉगिन कर रखी है अपनी डिवाइस में, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जैसे कि ये मेरी आईडी पुराने मोबाइल में मैंने लॉगिन कर रखी थी, तो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो आपकी आईडी किसी ने हैक करी होगी तो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी आईडी यहाँ से हटा सकते हैं उस दूसरे अदर मोबाइल से। तो उस पर आपको क्लिक करना है, जो भी अपनी आईडी, जैसे मेरी यह आईडी है, ये आईडी दोस्तों मेरी ये चार मोबाइलों में चल रही है, तो मुझे हटानी है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट करने हुए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और जो आपका मोबाइल है वो तो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट भी होगी, यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देना है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस अपने पल से लॉग आउट करने का। तो दोस्तों हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी अदर डिवाइस से लॉग आउट कर ली है। अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।